करना होगा, सबसे पहले कंप्यूटर पे क्लिक करना होगा। कंप्यूटर एक ड्राइव होती है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोकल डिस्क ए। अब डिपेंड करता है कौन सी डिस्क में आप अपना फोल्डर बनाना चाहते हैं। अगर लोकल डिस्क में बनाना चाहते हैं तो लोकल डिस्क पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी जो फोल्डर बने हुए वो फोल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना होगा। न्यू पे क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पे देखेंगे फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपका नया फोल्डर हो गया। अब इस नए फोल्डर का नाम कुछ भी नाम आप यहाँ रख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे न्यू शूट फोटो। ठीक, अब यहाँ पे हमने नाम सेव कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये फोल्डर बन गया। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में डिस्क में फोल्डर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद